Hi guys, welcome to Kabaddi Adda, and we are very thankful to AZ Academy for sharing this video with us. आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि परफेक्ट थाई होल्ड कैसे करते हैं, किस किस पोजीशन से आप ये थाई होल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से किया जा सकता है थाई होल्ड, और इसको करने के लिए किस किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आइए सीखते हैं कैसे करा जाएगा थाई होल्ड। अब हम देखेंगे कि कॉर्नर कैसे थाई होल्ड लगाता है। वेरी गुड, थोड़ा बेंड करना है, फिर रेडर को टर्न करना है और फिर अपने कंधे से रेडर को धकेल के पीछे गिरा देना है। दोबारा करके दिखाओ, बेंड, टर्न और फिर पुश। एक और तरीके का थाई होल्ड जो कॉर्नर कर सकता है उसे कहते हैं पैरेलल थाई होल्ड। बहुत बढ़िया, इसमें आपको रेडर को खींचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेंड करना है और रेडर को कस के पकड़ना है। आप बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ सकते हैं। जब आप पकड़ लेंगे तो आपके सपोर्टिव डिफेंडर्स उसको आके डैश करके बाहर गिरा देंगे, जो कि आप इस वीडियो में नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब मैट पर खेलते हैं तो ये आसानी से हो जाता है। अब इन प्लेयर थाई होल्ड करके दिखाएगा और इनको थाई होल्ड करने के लिए कॉर्नर की तरह पोजीशन लेकर खड़ा होना पड़ेगा। वेरी गुड, ऐसे ही करना है। अब कवर थाई होल्ड करके दिखाएगा। ये स्किल सभी पोजीशन के प्लेयर कर सकते हैं। अब सेंटर पोजीशन थाई होल्ड करके दिखा। इस तरीके से आप घुमाते हैं और फिर ढकेलते हैं। अब यहां कवर थाई होल्ड करके दिखाएगा। इसमें कवर को सिर्फ रेडर को नीचे झुककर पकड़ना है। थाई को होल्ड करो और दूसरा हाथ लेग के पास से लेकर रेडर का बैलेंस बिगाड़ने के लिए उसका लेग उठा दो। पकड़ो, उठाओ और फिर ढकेल दो। अब यहां इन करके दिखाएगा और ये भी कवर की तरह ही करेगा। पहले आपको इस तरीके से होल्ड करना है, दोनों पैरों के बीच में से अपना ऊपर वाला हाथ लेकर आना है और दूसरा हाथ नीचे लेग के पास जाएगा। जैसे ही लेग के पास पकड़ेंगे आपको नीचे झुकना है और नीचे झुकोगे तो आप इसका लेग उठा पाओगे। उठाकर पीछे घुमाकर उसको ढकेल देना है। ये थाई होल्ड सभी पोजीशन के द्वारा किया जा सकता है और हमने अब तक सारे थाई होल्ड देख लिए हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको बेंड करना बहुत जरूरी है। थाई होल्ड करने के लिए जब तक आप पूरा नहीं झुकेंगे वो अच्छे से नहीं होगा। पूरा नीचे झुककर पकड़ना है, फिर दूसरे हाथ से लेग को पकड़ना है और नीचे झुककर उसको उठा देना है। जैसे ही उठाएंगे उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए हम दो जोड़े बना सकते हैं तीन तीन डिफेंडर्स के, और रेडर नॉर्मली जैसे मूव करता है वैसे ही मूव करेगा। जब हम रेडिंग की प्रैक्टिस करते हैं तब रेडर को 100% देना होता है, वैसा ही अभी हम डिफेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डिफेंस को 100% देना है। रेडर नॉर्मली मूव कर सकता है।
इस तरीके से राइट के और लेफ्ट के दोनों ही डिफेंडर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से बार बार लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही नेचुरल हो जाएगा और बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इस तरीके से आपको डिफेंडर को बाहर की तरफ ढकेलना है, मैट के अंदर नहीं लाना। जैसे ही पकड़े उसको पीछे की तरफ ढकेले। किसी भी स्किल को करने के लिए आपको बार बार और लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। हफ्ते में एक पूरा दिन आपको सिर्फ एक ही स्किल को देना पड़ेगा, तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अभी हमने थाई होल्ड सीखा, आप यही तरीके से इसको डाइव लगा के भी कर सकते हैं। Thank you for watching this skill video with us. Please share this video with your friends, like this video and comment below.